बीजेपी से नाराज मुकेश सहनी आनन फानन में पहुंचे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर करेंगे शिकायत। दूसरे चरण में देश में बनेंगे 51 लाख टॉयलेट, 2 लाख गांव में होगी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। बिहार की मंत्री के मौत वाले बयान पर बोले लालू, अगर बेशर्मी मापने का पैमाना होता तो वह भी टूट जाता। पीएम मोदी के खिलाफ देश में कौन बनेगा चेहरा, ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है विपक्ष को एकजुट करना। हरियाणा में झमाझम बारिश से यमुना नदी उफान पर, हथनी कुंड में जलस्तर बढ़ा, 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। नए कोरोना मामलों में तेजी ने बढ़ाई टेंशन, 43,000 नए मरीज, केरल में 50% से ज्यादा नए केस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास का भूमि पूजन कल, अमेठी में पुत्र जौहर ईरानी 12 बजे करेंगे पूजा। भाजपा नेता व पूर्व सीएम उमा भारती ने राकेश टिकैत को दी सलाह, खत्म ना करे किसान आंदोलन की गरिमा। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बोली, 2024 में कोई भी बने विपक्ष का नेता, मुझे काडर रहना पसंद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 14 घंटे में 4 हादसे, कई लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।